हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू हॉरर एपिसोड। तो भाई आज हम खेलने वाले हैं जिस गेम का नाम है फियर्स टू फैथम होम अलोन। तो ये एन एपिसोडिक हॉरर है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या होने वाला है। तो देखते हैं इसमें एपिसोड्स होने वाले हैं। तो ये चार एपिसोड यहाँ पर दिए हुए हैं और लास्ट ये पता नहीं क्या है, ये एपिसोड है कि मुझे नहीं पता। तो अपन पढ़ते हैं, फियर्स ऑफ फैथम इज एन एपिसोडिक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम वेयर ईच एपिसोड अनवील्स अ शॉर्ट स्टोरी नरेटेड बाय द बर्न्स हु सर्वाइव्ड। ओके, तो गाइस जो ये चीज़ें रियल में हुई हैं, तो जो लोग सर्वाइव करें ना उन चीज़ों को, उनने ये एपिसोड सुनाए तो ये गेम बन के हमारे सामने आया है। तो भाई समझ रहे हो, जो ये गेम खेलने वाले हो ना, तो ये रियल में हुआ है। तो यू आर प्लेइंग एपिसोड वन, मोर एपिसोड्स आ जाएंगे। मतलब चलो भाई अपन पहला एपिसोड खेलते हैं जो कि 20 मिनट का होने वाला है, जिसका नाम है होम टू फियर्स टू फैथम एपिसोड वन होम अलोन। ओके, तो 12 जुलाई की बात है, ईयर लिखा नहीं है, तो हम 12 जुलाई अभी का ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डिडंट वॉन्ट टू पुट दिस अप ऑन रेडिट जस्ट फॉर इट टू बी कॉल्ड अ पीस ऑफ फिक्शन, आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट। तो गाइस ये रेडिटर है, ये रेडिट पे नहीं डालना चाहता था क्योंकि इसे सब लोग फिक्शन मानते हैं, झूठी मानते हैं, और इसको अच्छी स्टोरी टेलिंग आती भी नहीं है, इसलिए इसने रेडिट पे नहीं डाली है। तो अभी ये मैं ही होने वाला हूँ, तो मैं ही इसको मेरे तरह से बात करूँगा। आई गेस आई विल जस्ट स्टार्ट। तो मुझे लगता है मुझे अब स्टार्ट कर देनी चाहिए स्टोरी तो अपनी। तो समर के बीच की कहीं की बात है, मेरे पापा मम्मी वर्क ट्रिप पे चढ़े गए थे मुझे घर पे अकेला छोड़कर। ठीक है, तो पूरा वीकेंड अब मुझे अकेला खुद के सहारे जिंदा रहना था। यस, जो कि बहुत आसान है क्योंकि हमारा घर है। आई फील लाइक आई हैव टू मेंशन दैट। ओके, मेरा पूरा स्लीप शेड्यूल ना ख़राब हो गया था भाई, मैं रात को लेट सोता था, दिन में उठता था। भाई ऑब्वियसली यार, घर पे कोई नहीं है तो फुल एंजॉय चल रहा था अपना, चिल चल रही थी। तो देखते क्या क्या सीन होने वाला है, अब स्टार्ट होने वाला गेम गाइस। ओके, ये कैसी आवाज़ है भाई, क्रीपी सी, स्टार्टिंग से कैसी आवाज़। अबे ये अलार्म है, 8 बज, रात के 8 बज रहे हैं गाइस। चलो कोई नहीं, हम उठ तो गए भाई, पर ये अलार्म ऐसे क्रीपी अलार्म कौन लगाता है, और ये कितना क्रीपी घर है, ये ऐसा घर क्यों है। मेरे को लग रहा है शायद सस्ते में मिल गया था। तो गाइस अभी 8 बज रहे हैं, आई थिंक ये शाम के 8 बज रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि स्लीप साइकिल ख़राब हो चुकी है ना, तो कभी भी उठना कभी भी सोना भाई। तो ये मेरा कमरा है गाइस, जैसा कि तुम्हें तो ओके, प्लेट्स वगैरह भी यहाँ रखी है, ऑब्वियसली मेरा ही कमरा है क्योंकि मैं ही हूँ जो अपना चीज़ें खा पी के यहीं छोड़ देता हूँ। लाइक मैंने चाय पी, मग यहीं पड़ा हुआ है तब से, और ये मेरी शायद होमवर्क वोमवर्क की कॉपी है, ये क्या कर रखा है मैंने। ठीक है, तो कोई दिख भी नहीं रहा यार। ओके, गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, नहीं है ट्रैफिक है। ये मेरा घर है गाइस, देख रहे हो कितना सही दिख रहा है घर। मॉम का मैसेज आया हुआ है, आप लोग कब वापस आने वाले हो। मम्मी और मैं पापा और मैं आ जाएंगे मंडे को वापस, तो मैं कल नहीं बताया था क्या मैंने। कूल 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 कूल, हाँ तो तुम अपना ख्याल रखना और टाइम से सो जाना। आई होप आप एक्सबॉक्स लेके आओगे जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, अगर डिस्काउंट पे मिलेगा तो। और हाँ, मैं मैसन को और जॉश को बुला लूँगा रात को, हमें होमवर्क करना है काफ़ी सारा। हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं बुला सकते हो तुम, बिल्कुल बुला सकते हो, पर दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार ब्लाइंड से देख लेना बाहर कौन है, ऐसा ना हो कोई चोर वोर जाए। ठीक है, हाँ मॉम मैं देख लूँगा, आप क्या समझे हो मेरे को, मतलब सीरियसली। तो हम संडे को आ जाएंगे वापस। अरे आप इतना पैरानॉइड क्यों हो रहे हो यार, मैं 14 साल का हूँ भाई। 14 साल का है ये, सीरियसली गाइस 14 साल का है ये लड़का, उसको अकेला छोड़ के गए घर पे। हाँ ठीक है, मैं 14 साल का हूँ, आप इतना डर क्यों रहे हो यार, मैं कर लूँगा भाई, मैं सब कर लूँगा। और सुनो, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ क्या। अरे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने की, मैं खाना बना के गई हूँ ना, फ्रिज में रखा हुआ है, वो ही खाना चुपचाप। भाई बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है भाई, बिल्कुल बाहर का ऑर्डर करने ही नहीं देती है, घर पर रखी होगी दाल वो खाना है, पर नहीं पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। पर इसको तो कुछ अच्छा ही रखा है, लज़ागना कुछ। ठीक है, तो दूसरा मैसेज जो आया है वो आया है मेसन का। मेसन बोल रहा है यू, नहीं सॉरी मैंने बोला है उसको पहले यू, उसने बोला यू, मैंने कहा अच्छा तुम कल जा रहे हो ना जैसिका क्या। हाँ यार सुना तो है मैंने, तुम बताओ तुम जा रहे हो कि नहीं। अरे यार मुझे पता नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैसन पूछ रहा है क्या हुआ, कल मिले नहीं थे क्या तुम जैसिका से। अरे यार वो आई नहीं, लगता है वो मेरी फिक्र ही नहीं करती। मैंने कहा था ना गाइस 14 साल की ना गर्लफ्रेंड्स तक होती हैं, ठीक है, तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा नहीं यार, तो मैटर करते हो उसके लिए, अनलेस अगर तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर बाय स्क्वायर, पता नहीं फिजिक्स में बातें कर रहे हैं, इतना तो मेरे को भी आइडिया नहीं है क्या है ये। आई गेस आई एम एनर्जी, हाउ कैम, कैम क्या है।
क्या क्रैप, आई टोटली फॉरगेट, प्रोबेबली गोना डू टुनाइट। कुछ कैम वैम की बात कर रहे हैं जो आज रात को करने वाला ही है। लोल सेम, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, तुम आओगे क्या रात को? अपन लोग मारियो कार्ट खेलेंगे। देखा गाइस, कोई नहीं पढ़ता इस प्रोफ स्टडी में, सब लोगों को वीडियो गेम्स या लड़कियों की बातें करनी होती है। आई टेल यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा पर पक्का नहीं है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आ जाऊँगा, मैं बता दूंगा। तो गाइस ये हमने मैसेजेस पढ़ लिया है, अब ज़रा हम अपना घर भी देखें जो कि काफ़ी क्रीपी दिख रहा है। मैं गेट तो बंद नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आना मुझे ऊपर ही एटला शायद तक। तो यहाँ पर फोटोज़ वोटोज़ लगे हुए हैं। ये एक और कमरा है, ये किसका कमरा है? मुझे लग रहा है ना ये मेरे पापा मम्मी का कमरा है। ओके अभी ये कौन खड़ा है? ये तो कोई बुढ़ा सा आदमी लग रहा है यार। ये क्या देख रहा था भाई? हमारा कुत्ता उसमें भौंक रहा था गाइस। भाई पता नहीं कौन था भाई, चोर वोर से मुझे डर लगता है यार। मैं 14 का ही हूँ पर मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं चाहता अपने आप को गलत प्रूव करना, ठीक है? तो ओके भाई, ये अपने आप के खुल जाते हैं, मेरी फट जाती है। अच्छा मैं देख सकता हूँ ना यहाँ से, ठीक है? कोई नहीं दिख रहा अभी मेरे को, वो बंदा दिखा था, इधर से भी देख सकता हूँ और मैं सारी खिड़कियों से देख सकता हूँ, ये ठीक है। तो अगर कोई आएगा तो डोर कहाँ पर है? ये डोर है, ठीक है, और मैं यहाँ से ऐसे करके देख सकता हूँ। ओके ठीक है, और मैं अगर डोर खोल दूँ तो क्या होगा, मैं बाहर जा सकता हूँ? भाई मेरी फट रही है, पता नहीं क्यों मैं नहीं खोल रहा हूँ डोर। भाई डरावना है। ओके ये मेरा शायद लिविंग हॉल है। ओ ये क्या चला है, ये क्या चीज़ है? भाई ये क्या चल रहा है भाई टीवी पे? इंटरेस्टिंग दिख रहा है कुछ। अच्छा ओके ओके, मैंने चैनल चेंज कर दिया। दो ही चैनल है भाई अपन, बिल्कुल नहीं अपन है ना, पहले तो इसे बंद कर देते हैं। हाँ मेरे को लजागना रखा था तो मेरे को वो भी खाना खाना है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये मेरा पीछे का गेट है। ओ भाई मेरे पास स्विमिंग पूल है, ओके दैट्स नाइस। एक बार बंद कर दूँ, मैं नहीं चाहता कोई और अंदर घुस जाए। भाई घर तो बहुत सही है गाइस, कुछ भी कहो, शाम हो रही है आई थिंक, है ना, शाम वाली रोशनी लग रही है। ये देखो स्विमिंग पूल भी है छोटा सा हमारे। ओके भाई गैरेज है, घर तो ऑसम है गाइस अपना। पता नहीं अंदर से इतना क्रीपी क्यों है। तो वो बंदा यहाँ खड़ा हुआ था पर जो कुत्ता भौंक रहा था वो कुत्ता कहाँ है? क्या पता भाई क्या सीन चल रहा है, अपन चलता है। ओके भाई मैं बाहर से कैसे खोल रहा हूँ गेट? कोई भी नहीं घुस जाएगा बाहर से खोल के, ये अलग सीन है। तो अपन जाके ना अपना खाना निकाल लेते हैं फ्रिज से। फ्रिज का साउंड काफी लाउड है गाइस। ये होने वाला है मेरा खाना। फूड वॉज कोल्ड, ओके तो मेरे को इसको गर्म भी करना है। आई थिंक इधर गर्म हो जाएगा। हाँ हो रहे, गर्म हो रहे गाइस, अपने पास टाइम है, अभी गर्म हो रहा है। जब तक मैं यहाँ से देख सकता हूँ कोई है तो नहीं, क्योंकि वो बंदा ना मुझे रियल में क्रीपी लग रहा था। इस तक तेज साउंड इसका है, मेरे को लगा कहीं से कार बाहर आ रही है भाई। ओ बहुत ज्यादा साउंड है, माइक्रोवेव ओवन है क्या है ये? ओके हो गया है गरम, तो मुझे अब खाना खा लेना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह। बाहर से पिज्जा नहीं ला सकते अपन, लज़ागना बना हुआ है तो वो भी अच्छा ही होगा कुछ टेस्ट में। मेरे को तो ये पता है, सही बताऊं तो ये पास्ता टाइप दिख रहा है मुझे। अपन पहले टीवी चला देते हैं, बढ़िया टीवी देखते देखते खाएंगे खाना बैठ कर यहाँ पर। दैट्स गुड, मुझे ये नहीं देखना था ये क्या चल गया यार, ये डरावना लग रहा है। ठीक है अपन डरते नहीं है पर टेस्टी है गाइस, टेस्टी है। तो ये देखने में तो सीरियसली पास्ता लग रहा है गाइस। अपन ने सब खा लिया है और भाई मुझे फिर से नींद आने लगी है, अभी सो के उठा था और अभी फिर से नींद आने लगी। आई एम टू आलसी गाइस, आई एम टू आलसी। भाई पता नहीं ये क्या स्टोरी चल रही है, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रही है ये। भाई ये तो क्या चल रहा है ये, भाई मेरे को तो पूरे घर से ज्यादा डरावनी ये स्टोरी लग रही है। देखो तो ये बंदा किसी घर में घुस रहा है। बंद करो भैंस की आगे से, नहीं देखना मेरे को, फेंको ये यहाँ पर, घर वाले आके साफ करेंगे। यहाँ से भी मैं बाहर देख सकता हूँ, जरा देखो यहाँ क्या है। नहीं कुछ नहीं दिख रहे। तो गाइस मेरे को अब वापस नींद आने लगी है तो मेरे को सोना। ओके मेसन का फिर से मैसेज आया, लेट्स रीड इट।
नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगा, हमें आज ऑफ बोलना पड़ेगा, इसे कुछ काम आ गया है मुझको। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले सो जाएंगे, हमें डर नहीं लगता। आई एम अ गुड ग्रोन मैन, पूरा 14 साल का बड़ा इंसान हूँ मैं, ठीक है। तो ये ना विंडोज़ की आवाज़ ना मेरे रोंगटे खड़े कर। ओके आई एम सॉरी माइल्स, गॉट टू सी यू टुमारो, ठीक है। डोंट फॉरगेट कैम टू, कैम दो, पता नहीं कैम क्या है। ठीक है चिल आउट डूड, ऑल गुड, आई प्रोबेबली जस्ट गो बैक बेड आफ्टर कैम। कैम करने के बाद मैं बेड पे सो जाऊंगा जाके। तो कैम है क्या, कैम क्या है ये? अच्छा होमवर्क तो नहीं है केमिस्ट्री का? अरे यार हाँ मैं केमिस्ट्री का होमवर्क है ये, है ना। ओके समझ गया मैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं तो हम होमवर्क कर रहे हैं बिल्कुल। मतलब 8 बजे से, 8 साढ़े 8 से स्टार्ट किया और अब देखो रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरा होमवर्क हो गया है। आई गॉट डन विद द होमवर्क फॉर द डे, तो अब मैं जाके सोता हूँ गाइस। देखो गाइस मैंने ना पूरी कॉपी भर दिया होमवर्क कर करके केमिस्ट्री की। भाई ये देखो, ये देखो भाई, ये तो फिजिक्स लग रहा है पर ठीक है। तो ये मैंने पूरी कॉपी भर दिया, एक बार मैं बाहर चेक कर लेता हूँ। देखो रात भी हो गई है गाइस, 12:30 बज रहे हैं, कोई खाली है पूरा सब कुछ। मैं सो जाता हूँ। ओके मॉम का मैसेज आया है इतनी रात को, रात को लेट तक मत जगना, इस बार मेरे को कुछ नहीं सुनना है मिसेस पॉला से। ये यार कसम से चुगलीखोर आंटियां मानती नहीं है भाई, रात को जग ही नहीं सकते, बता देंगी तुम्हारे बेटे रात को जगा हुआ था, पता नहीं क्या कर रहा था। ठीक है सो जाते भाई चुपचाप अपन। ऑलवेज क्लोज माई डोर। ओके ओह ओके, मैंने गेट बंद नहीं किया था भाई, मैं तक इतना ब्रेव कब से हो गया हूँ कि मैं गेट बंद नहीं किया हूँ। तो चलो गेट बंद कर देते हैं, अब सोते हैं बस आराम से। बढ़िया आज का दिन तो कट गया गाइस, इतना डरावना नहीं था यार, मुझे लग रहा था कुछ तो डरावना होगा पर शायद अभी खत्म नहीं। हाँ 1 घंटे सोया हूँ मैं, 1 घंटे भी नहीं सोया हूँ भाई, 40 मिनट। मेरे को प्यास लग रही है रात को 1:16 पे, क्यों क्यों लग रही है रात को 1 बजे प्यास मुझे? इतने क्रीपी घर में मैं रात को 1 बजे क्यों उठूंगा भाई? मैं अगर रियल में भी यहाँ रह रहा होता तो मैं चुपचाप प्यासा सो जाता, नहीं पर मेरे को उठना है, मुझे चुल हो रही है, मैं जाऊंगा उधर क्योंकि आई एम अ विग ग्रोन मैन। और ये लाइट क्या जल रही है यहाँ पर, ये क्या है? रेडियो है गाइस, रेडियो है, मैं फाड़ दी उसने एकदम से। भाई ये क्या साउंड बजा रहे हैं, क्या साउंड है ये? ठीक है यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक वो लाइट जल रही है ना, वहाँ पॉला आंटी वांटी रहती है शायद मेरी। चलो अपन को भाई, क्यों भाई मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है गाइस बहुत ज्यादा। चलो पर चलते हैं। लाइट क्यों नहीं है भाई, बिजली का बिल नहीं है क्या इतना? अच्छा पूरा घर खरीदने में पैसा लगा दिया क्या इन लोगों ने? ठीक है यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, एक बार बाहर देख लेता हूँ मैं। इधर वो पागल सा आदमी खड़ा था, वो भी नहीं है अभी तो, वहाँ भी कोई नहीं है। अरे यार मेरे को प्यास क्यों लग रही है रात को। चलो बाहर निकलते हैं अपन यहाँ से और बंद कर देते हैं, मम्मी पापा का कमरा है ये। कहाँ गया गेट? ओके बंद, चलो नीचे चलता है। गाइस मेरी हार्ट बीट देख रहे हो तुम, ध्यान से सुनो, ईयरफोन पहने रखो। भाई क्यों क्यों डराती है ये विंडोज, क्या साउंड है इसका भी। जल्दी से पानी पी लेते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। और इसको हम थ्रो कर देते हैं, ये भी पी लूँ क्या? पूरा पी लेता हूँ, रात भर प्यास ही नहीं लगेगी, पूरा खाली कर देते हैं। और है क्या पानी, और वो चेक है ये नहीं है? ठीक है इसके आर पार हो के बंद हो गया फ्रिज, बिल्कुल क्रीपी नहीं था, बिल्कुल भी क्रीपी नहीं था। अपन जाते हैं चुपचाप से ऊपर, बहुत हो गया इधर तो मेरे को। ये कुछ है क्या यार, सोफे के पीछे कुछ दिख रहा है क्या गाइस? बहस नहीं, हमें रुकना ही नहीं है, हम जा रहे हैं चुपचाप से रूम पे सोने। हो गया पानी जितना पीना था, पेट भर गया मेरा, गेट बंद करो, चलो सोते हैं, मतलब नहीं है अब। मॉम का मैसेज, इमेज इतनी रात को क्या भेज रही है मॉम? ओके माइल्स हु इज दैट ऑन द डोर? ओ भाई हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा क्रीपी हो रखा है, देखो डोर पे कोई खड़ा हुआ है। रुको रुको मॉम ने और कुछ भी लिखा था, यू देयर? ठीक है
मैं नहीं पता, मुझे तो, मैं छुप जा रहा हूं। ये कहाँ छुपा हूं मैं? नहीं, नहीं छुपना मेरे को। पर यहाँ विंडो पे खड़ा कौन है यार? एक बार देखू तो, ब्लाइंड से तो देख सकता हूँ ना गाइस, ब्लाइंड से तो देख सकता हूँ मैं। गेट नहीं खोलूंगा मैं, इस गेट पे कोई खड़ा हुआ है। सामने से पॉला आंटी ने बोला मेरी फट रही है यार, मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। मेरे को नहीं, कुछ और भी भेजा मॉम ने, पॉला सेंट मी। देखा भाई, पॉला आंटी ने भेजा ये। क्रीपी लग रहा है, वो विंडोज के थ्रू देख रहा है। हम कॉप को बुला रहे हैं, तुम भाई लॉक मत खोलना डोर का और अपने कमरे में छुप जाना। डोंट आंसर द डोर, कुछ भी हो जाए भाई आंसर नहीं करना है डोर को। मम्मी ने बोला है भैंस क्या, मैं जा रहा हूँ छुपने, मैं जा रहा हूँ छुपने। मैं सही छुपा था गई वहाँ, मैं सही छुपा था, पुलिस आ जाएगी। रुको रुको, गेट बंद करने दो, इधर कहीं से देखता हूँ, इधर से तो नहीं दिख रहा है। अपन भाई छुप जाते हैं, अपन हिल ही नहीं रहे गाइस यहाँ से। फाड़ दी यार ये पोला आंटी, क्या करती है भाई, बताती नहीं तो नहीं फटती मेरी इतनी। ओ ओबे, साउंड आया, किसी ने विंडो तोड़ी है। शिट, वो कोई घर के अंदर आया गाइस, कोई घर के अंदर आया है, कोई ने बजाया। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाने वाला हूँ, किसी ने डोरबेल बजाई है। मैं नहीं निकल रहा, मैं नहीं निकल रहा हूँ, अभी भी डोरबेल बजा रहा है। पॉला आंटी तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हारी घर से किसी को भेजो ना उधर। मम्मी का है, इट्स पॉला एट द डोर। अच्छा, डू यू हेयर हर, इट्स पॉला एट द डोर। मॉम सो सॉरी हनी, एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट। चलो मॉम, पॉला आंटी आ गई है गाइस, हम बच गए। मैं बाहर निकल के आऊँ क्या, क्विक टू हाइड? अबे बाहर निकलना, आंटी आई हुई है। ओके चलो गाइस, पॉला आंटी आई है आखिरकार। भाई फाड़ दी थी मेरे को, लग रहा था गया मैं। ओ ओ नो 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 नो, ओह फक 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 फक, गेट खुला था वो, छुपो छुपो छुपो। ओह नहीं 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 भाई, बहुत खतरनाक। पोला आंटी ऊपर आ जाओ, मुझे जाके देखना पड़ेगा क्या। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी हो रहा है भाई। ओ पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस भी आ गई। अब तो जा सकता हूँ गाइस, मुझे लग रहा है बाहर मेरे को जाना तो पड़ेगा ही यार। आ गई पुलिस भी आ गई। आ गई मैं, खत्म, बच गए हम, बच गए। इस घर में कुछ तो था यार। ज्यादा भाई, ये तो मैं, ऐसा लग रहा था रियल में इस घर में हूँ लिटरली। ओ आंटी, आंटी बहुत अच्छी हो, आपने मुझे बचा लिया मेरे गले पर, गले नहीं बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं गले मिल लूंगा आंटी आपसे, वही बच गया मैं। बहुत ज्यादा हार्ड एक्सपीरियंस था इस गेम का मेरे लिए, बताए रात के 2 बज रहे हैं और इनफैक्ट मैं, मेरी ना एंड में इतनी फट गई थी अभी ना, मेरे पंखे से मेरी शर्ट जो मेरे दरवाजे पे टंगी हुई थी ना वो नीचे गिर गई अपने आप। भाई मेरी फट गई, 4 हो गई लिटरली। ठीक है, वो तो ये गेम बंद हो गया, तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो मैं वो एक्सपीरियंस नहीं बता पाया तुम्हें, पर अब बता रहा हूँ। और मैं ना अभी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि जो रियल बच्चे के साथ, 14 साल के साथ ये हुआ होगा ये इंसिडेंट रियल में, भाई उसकी क्या फटके 4 हुई होगी भाई, इतने बड़े घर में अकेले मैं रह पाऊंगा कि नहीं अकेले, मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस। और एपिसोड्स भी हैं गाइज, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना। विदाउट एनी डाउट हम ये 3 एपिसोड्स और कंप्लीट करेंगे, चौथा भी शायद एपिसोड है या पता नहीं क्या, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। तो डायरेक्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में, लाइक कर देना इस वीडियो को, अभी तक मैं शॉक्ड हूँ। मिलते हैं डायरेक्ट अगले वीडियो में, बाय बाय।